हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी रसोई गीता की रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिना टमाटर के चटनी, और वो भी हम बनाएंगे आज सिलबट्टे पर। ये उसके लिए मैंने लिया है धनिया है, थोड़े से पुदीना के पत्ते लिए हैं, और ये लहसुन की 5-6 कलियां हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इस पर हम काला नमक डालकर और इसको हम पीस लेंगे। काले नमक से ना चटनी में अलग ही टेस्ट आता है। और मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, हमने थोड़ा इसको पीस लिया है सब चीज़ों को। अभी थोड़ा सा मोटा है, रेशे रह रहे हैं इसमें, इसको हम बारीक पीस लेंगे और इसको हम जब आपको दिखाएंगे। मैंने थोड़े इसके बड़ी कटिंग कर ली थी धनिया की, आप बारीक करना तो जल्दी पिस जाएगा, अब तक पिस जाता। और ये कि मेरी सिल भी छोटी है, सिलबट्टे की चटनी तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि आज के समय में इतनी जल्दी है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, कुछ बातें हैं, तो उस वजह से बना नहीं पाते, कभी कभी बन पाती है। ये देखिए, हम इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे, तो इससे ना खट्टा और तीखा फ्लेवर आएगा कि मिर्चीदार, क्योंकि इसमें टमाटर तो हमने डाला नहीं है। ये देखिए, तो जब टमाटर हो जाते हैं महंगे, तो इस तरह की चटनी बना के चटनी का आनंद लिया जा सकता है। और ये हमारी सिलबट्टा चटनी बिना टमाटर के तैयार। खाइए और बताइएगा कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट भी किया करिए तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ, वरना आप लोग कुछ बताते नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चटनी से पराठा एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।